दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड. अभी इंस्टा पे रील बनानी होगी ना, उछलते कूदते बना लेगी ये, इससे फोन रिसेट नहीं हुआ. अब कोई कुछ नहीं बोलेगी बच्ची. अच्छा मैं नहीं चलाती इंस्टा बेटा, इंस्टा लोगों को चलाते हैं, इंस्टाग्राम कहाँ कोई चलाता है. ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कौन सा? अरे कौन से एलियन ग्रह से आए हुए? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. जो आपका संडे टेस्ट एनालिसिस है ना, वो मैं आपको सैटरडे को करा दूंगी. पहले चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज ये रह जाएगा, है ना? यस मैम. और इस संडे टेस्ट में आपका क्या क्या आ रहा है आपको पता है? नो पूछते क्यों मैम. नहीं हो? पूछते क्यों नहीं हो फिर? इस संडे टेस्ट में आपका ये आपका अभी जो बायो का चैप्टर हुआ है वो आ रहा है. कौन सा चैप्टर हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, राइट? ये वाला चैप्टर हुआ है ना, तो यही वाला चैप्टर आपका मैम. आ रहा है. ठीक है जी. तो एक सेकेंड. और फिजिक्स केमिस्ट्री का पता है? नो मैम. नो मैम. पूछ लिया करो यार. इसी टीचर से तो पूछ लिया करो. ओके अभी भेज रही हूँ. और तुम क्लास टाइम से कोई भी ज्वाइन नहीं करते क्या? कि मेरी ही नहीं करते? तो आपका आ रहा है, भेज दिया मैंने 18 जून का. ठीक है जी. मैम. सो मेक श्योर कि देख लेना भाई नमूनों. तो आज हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है, बेसिकली जिसमें आप डीएनए के बारे में सब कुछ पढ़ते हो, उसका जो बेसिक होता है वो 11th ग्रेड के एक चैप्टर में करके आते हो, जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल. सुना है नाम? मैम. ठीक है. तो बायो मॉलिक्यूल के पूरे चैप्टर में ना एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हो, सुना होगा शायद. मैम. मैं ज़ूम करती हूँ, आपको याद नहीं है अब, ठीक है, ताकि हम दोनों की जिंदगी आसान हो जाए. तो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट मैं आज आपको पढ़ाऊंगी. ये बेसिकली तो 11 से रिलेटेड है, पर इसके बिना डीएनए हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस मॉलिकुलर बेसिस वाले चैप्टर में जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो वो बिल्कुल बेसिक वहीं से उठाते हैं. तो बेस आना बहुत जरूरी है, और ये 12th ग्रेड का सबसे लंबा चैप्टर है. तो व्हाट वी विल डू इज हम लोग इसको बेस से उठाएंगे और साथ साथ में ही एनसीईआरटी के एक एक पेज पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि एंड में एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और ये चैप्टर भी. तो ये लंबा चैप्टर है, पेशेंस के साथ पढ़ना है इसको और रेगुलर रहना, ठीक है? नहीं तो ये टूट जाएगा चैप्टर लिटरली. अगर एक पार्ट समझ नहीं आया, अगला पार्ट कभी समझ नहीं आएगा. ओके समझ आई बात? मैम. किसी में भी छुट्टी लेना, इसमें छुट्टी मत लेना. इसमें छुट्टी लोगे तो उसके बाद चैप्टर समझ नहीं आएगा. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने हमेशा बच्चों को परेशान देखा जिसने मिस किया ये लेक्चर. तो इसके लेक्चर मत छोड़ना. तबीयत वगैरह खराब है तो लगा लेना जितना हो सकता है तुमसे, नहीं तो फिर अगले क्लास से पहले की रिकॉर्डिंग देखे बिना आना मत, नहीं तो सच में समझ नहीं आएगा. ठीक है. मैम. न्यूक्लिक एसिड की तरफ चलते हैं. तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड मतलब, दो एग्जांपल बताओ न्यूक्लिक एसिड्स का. डीएनए एंड आरएनए और आरएनए. बेसिकली डीएनए एंड आरएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर डायऑक्सी राइबोज राइबोनिक्लिक एसिड. डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. हाँ गुड, राइबो न्यूक्लिक एसिड. और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब है ना कि इतना बेसिक क्वेश्चन थोड़ी आता होगा, लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना तो वो बेसिक स्टेटमेंट्स में डाल देते हैं. और अगर आप कोई ग्रेजुएशन के पेपर देने जाओगे ना तो आपको बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उस टाइम पे क्लिक नहीं होते क्योंकि कभी रिवाइज ही नहीं करा होता. ठीक है, तो मेक श्योर कि लिख लेना साथ साथ में. अब अगर देखो तो दोनों में एक चीज कॉमन है. दोनों में क्या चीज कॉमन है? दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. दोनों में सेम है ना, क्या अलग है? डीऑक्सी वर्ड. तो डीऑक्सी में ऑक्सी स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन एंड डी मतलब एब्सेंट. तो क्या होता है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू राइबोन्यूक्लिक एसिड. ये बात क्लियर है? मैम. अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये दोनों
चीजों से मिलके बने होते हैं। तो सबसे बेसिक चीज जिससे ये मिलके बने हुए हैं ये तीन दोनों मॉलिक्यूल, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। कोई गैस नहीं करेगा भाई? फॉस्फोरस। सो दीज आर द बेसिक यूनिट जिनसे मिल मिलके कोई न्यूक्लिक एसिड बना होगा। ठीक है, अब मैं हर बार बोलूंगी न्यूक्लिक एसिड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस से बना, तो बहुत लंबा सेंटेंस हो गया। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये एलिमेंट्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता जाता है और पूरा का पूरा डीएनए या फिर पूरा का पूरा आरएनए बनाता है। तो ये जो छोटा सा मॉलिक्यूल है ना, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से बना है, इस मॉलिक्यूल को हम बुलाते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, टाइड, टी से टाइड, तो टी से टाइड और टी से थ्री, आपको टी से थ्री याद रखना है। क्लियर? अब जैसे तुम अपने घर के आसपास देखो तो दीवार है, वॉल है घर में। वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सीमेंट एंड ब्रिक्स, है ना? बिना ब्रिक्स के बात तो बनती नहीं। तो सबसे बेसिक जो हम कहते हैं ब्रिक्स है, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज होता है। उसी तरीके से अगर एक डीएनए है जो जनरली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो दो चेन्स होती है, और आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और वो जनरली सर्कुलर होता है। लेट्स से चलो मैं सिंपल डीएनए बनाती हूँ, तो डीएनए ही ले लो अगर मैं, तो डीएनए जिस छोटी सी यूनिट से बना है, जैसे एक दीवार सबसे छोटी यूनिट ब्रिक्स से बनी होती है ना बहुत सारी ईंटों से, वैसे डीएनए भी जो सबसे छोटी यूनिट से बना है, जो एक के साथ एक, एक के साथ एक अटैच है, इस छोटी छोटी यूनिट को हम बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। साइड और टाइड में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो याद रखना टाइड तीन वाला। ठीक है, तीन वाला। सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनकी ईंटें कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। इसलिए न्यूक्लिक एसिड्स की, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनते हैं। देखो एक के पीछे एक अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं एक दूसरे से, कैसे अभी बताऊंगी। तो जब ये एक के साथ एक अटैच होते हैं तब ये पूरी की पूरी डीएनए की चेन बना रहे हैं। ठीक है जी, तो जब कोई भी चीज एक के साथ एक अटैच होकर चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तब हम उसको कहते हैं पॉली। पॉली मतलब बहुत सारे। सो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तब हम उसको बुलाते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड को हम पॉली न्यूक्लियोटाइड भी बुला सकते हैं। क्लियर? दोनों लाइनें नीट के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इसे लिखो। तो मुझसे मजाक कर रहे हो कि अभी तक क्लास में एंटर ही हो रहे हो? अभी तक एंटर हो रहे हो तो बेस तो मैंने बता दिया, फायदा क्या हुआ? क्या टाइम से आ जाए करो, तुम्हारे ही नुकसान है, मेरा तो क्या ही है, मेरा तो बढ़िया ही चल रहा है ना। ये मैम कभी बेस नहीं खराब करते अपना, और मैं बेस दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मैं इतना सारा दोबारा कैसे पढ़ाऊंगी, चैप्टर में बहुत कुछ है। हर रोज हम नई चीज पढ़ सकते हैं तब भी ये चैप्टर एक महीने चल सकता है। आई ट्राई कि मैं इसको दो हफ्ते में खत्म करूं विद बेस, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर तुम आओगे नहीं ना तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो प्रेजेंटेशन दे दूंगी, रिकॉर्डिंग देखते रहना। और तुम्हें भी पता है रिकॉर्डिंग लेक्चर और एक लाइव लेक्चर में फर्क होता है, स्पेशली लाइव लेक्चर जब आप डाउट पूछ सकते हो, तो मेक श्योर आप लाइव लगाओ, है ना। चलो अब ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड हम बोल रहे हैं, कौन से एलिमेंट से मिलके बनाई है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस। बॉडी में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो यही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें एक फॉस्फोरस भी ऐड कर ले। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, पांच चीजें है ना। अब ये न्यूक्लियोटाइड इन पांच चीजों की कैसी अरेंजमेंट से बना है उससे पढ़ेंगे। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड मैंने बोला, टाइड ना, हमें न्यूक्लिक एसिड बता रही हूँ कैसे बना है। तो जो टाइड है यानी कि तीन, तो किसी तीन चीजों से ये मिलके बनता है। पहली चीज है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें साइक्लिक ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है जी, साइक्लिक ग्रुप लगे और इनको हम बुलाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस,
नाइट्रोजनस बेसिस। तो मैं इसको साइक्लिक क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये साइक्लिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और हेट्रो क्यों कहती हूँ, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना है। क्या मतलब है कि आपको ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसे बनाया कभी बेंजीन रिंग? हाँ, तो ऐसे स्ट्रक्चर से मिलके ये बना हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। पहली चीज तो ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, तीनों में से तीन चीजों से बना है ना, तो एक चीज तो डन, दो बची। दूसरा है मोनोसैकेराइड शुगर। सैकेराइड वर्ड जहां पे आया उसका मतलब शुगर है, मीठी मीठी शुगर, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड शुगर कैसी होती है, इट इज अ पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब, पेंटोस मतलब पांच कार्बन वाली शुगर, इसके अंदर पांच कार्बन होंगे। बनाऊं कैसे, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ, तुम्हें आई थिंक इतना तो पता होगा केमिस्ट्री में, जहां दो लाइनें मिलते हैं वहां पे कार्बन होता है, लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे कार्बन नंबर वन, यहाँ कार्बन नंबर टू, यहाँ कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, मैंने पांच कार्बन बोला ना, तो कार्बन नंबर फोर के सर पे बैठा होता है कार्बन नंबर फाइव, ठीक है। और लास्ट में लगा होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PO4 2 नेगेटिव, ठीक है जी, क्लियर। तो ये तीन चीजों से बना होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है ये मैम। इसे बनाओ ऐसे ही फटाफट, ये आप पढ़ सकते हो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर खोल के 11th वाला, उससे मिल जाएगा आपको। आगे चलो, ये मैम दो बच्चों ने करा है बेटा, बाकी थम्स अप कर दो अगर हो गया तो। यस मैम, यस मैम, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन नाइट्रोजनस बेस, मोनोसैकेराइड शुगर, शुगर है मतलब पांच कार्बन वाली, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर भी दो टाइप की होती है। राइबो शुगर और डी ऑक्सी राइबो शुगर। अभी एक एक करके डायग्राम बनाऊंगी ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी के लिए लिख लो उसे कि पेंटो शुगर दो टाइप की है, ठीक है। एक बार डायग्राम बनाऊंगी तो हम सब एक ही पेज पर आ जाएंगे फिर। अब देखो चल क्या रहा है यहाँ पे, चल कुछ ऐसा रहा है कि लेट से ही किसी का हाथ है जिसको लगता है मधुमक्खी ने काटा है क्योंकि इसका हाथ सूजा हुआ है, तो ये किसी का हाथ है, इसके हाथ से हमने एक सेल की पतली सी लेयर निकाली, ग्राफ्टिंग करते हैं ना, अभी सुना होगा प्लास्टिक सर्जरी भी होती है, तो स्किन की लेयर निकाल के बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर लगा ली जाती है, वैसी लेयर निकाल ली, उसमें से हमने सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया इसके, ठीक है। तो मैंने एक सेल निकाल लिया, सेल कैसा होगा, प्रोक्रियोटिक या यूक्रियोटिक? यूक्रियोटिक। यूकेरियोटिक सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ये रहा इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के अंदर मुझे पड़ा हुआ मिल जाएगा डीएनए, वैसे तो अलग फॉर्म में होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती, ये रहा डीएनए। तो हमने डीएनए भी निकाल लिया, ऐसे निकलता नहीं है डीएनए पर हमें समझना है, तो हमने इसका डीएनए भी निकाल लिया। अभी के लिए मैं डीएनए लिख रही हूँ, ठीक है जी, इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये रहा डीएनए, अरे कुछ इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब डीएनए में भी ये जो दो थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ये दूसरी थ्रेड है, एक दूसरे के आसपास कॉइल्ड है। हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये थ्रेड किससे बनी है। तो ये वाला पार्ट है एक, इसको हमने निकाला और हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, इसको हमने और मैग्नीफाई किया, माइक्रोस्कोप में तो दिखेगा नहीं, इसको हमने और मैग्नीफाई कर लिया, देखना चाहते हैं क्या है। जब हमने इसको और मैग्नीफाई किया तो हमें ये मिला कि ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। तो वो न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐसे दिखते हैं,
ध्यान से देखने सकते हैं, पूरा समझ आ जाएगा थोड़ी देर में तुम्हें, ठीक है? यहाँ पे होगा नाइट्रोजन स्पेस, कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट, को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये बना किससे है, कैसा दिखाई देता है, ठीक है? तो हम ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो लास्ट में मैंने बनाया, हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा फोकस है, मेन कहानी हमारी ये है, ये वाली, ये कहानी धीरे धीरे समझ आएगी, इस पे फोकस है हमारा। अभी हम सबसे छोटी बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, अब आओ। अभी जो न्यूक्लियोटाइड है, टाइड मतलब तीन, तीन चीजों से बना है। तो ये बना है एक नाइट्रोजनस बेसिस से, है ना? तो नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है, मतलब ऐसी कोई चीज जो नेचर में बेसिक होगी, बेसिक होगी मतलब पीएच स्केल में ऊपर की तरफ वैल्यू होगी, ये समझते हो ना? और इसमें नाइट्रोजन भी होगा इस मॉलिक्यूल में, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन और एक होते हैं पिरामिडीन। नीट में बहुत क्वेश्चन ये बेटा, जो प्यूरीन एंड पिरामिडीन में मुझे बताओ, साथ साथ लिखना अल्फाबेटिकली, मतलब अल्फाबेट किसके ज्यादा बड़े हैं, कौन सा वर्ड ज्यादा लंबा है, प्यूरीन या पिरामिडीन? पिरामिडीन। तो पिरामिडीन कहता है, याद करने का तरीका कि पिरामिडीन कहता है जब मेरा नाम इतना लंबा है तो मेरा स्ट्रक्चर सिंपल होगा। ऐसा होता है ना, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं होता कुछ नहीं उनसे, लेकिन जो लोग फालतू की बात नहीं करते हैं सबसे ज्यादा कमाल के वही होते हैं, सही बात है ना? तो बस प्यूरीन बहुत छोटा सा है लेकिन वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो पिरामिडीन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सिर्फ एक रिंग से बना है, एक दो तीन चार, तो छह कार्बन की एक रिंग से बना है पिरामिडीन। तो बड़ा नाम, एक ही रिंग, और प्यूरीन क्योंकि छोटा नाम है तो ये कितने रिंग से बना है, ये दो रिंग से बना है, रिंग। याद करने का तरीका ये, ठीक है जी? मैम बनाया, मैम बना रहे हैं ना, बना। अब देख, अब जो प्यूरीन है पिरामिडिन है, ये जो रिंग्स है इनकी अपनी अपनी अरेंजमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट प्यूरीन्स भी दो टाइप के होते हैं, मतलब दो रिंग से बने हैं लेकिन दो टाइप के मॉलिक्यूल है। प्यूरीन एक होता है एडिनिन, दूसरा ग्वानिन। पिरामिडिन इज थायमिन, थायमिन क्योंकि बच्चे यूरेसिल में कंफ्यूज हो जाते हैं, टोटल फाइव होते हैं, ठीक है? यूरेसिल आपको डीएनए में नहीं मिलता, यूरेसिल की खास बात है, ये आपको किसमें मिलता है, किसकी जगह पे, एट अ प्लेस ऑफ थायमिन, राइट? थायमिन। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना कि थायमिन आपको सिर्फ कहाँ मिलता है, डीएनए, डीएनए, हाँ, राइट? अब इनकी ना पेयरिंग का ऑर्डर होता है, देखो अगर डीएनए दो स्ट्रैंड थे तो वो दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ऐसे ही नहीं चिपके हुए थे, उनमें प्यूरीन और पिरामिडीन के बीच में बॉन्ड था कुछ इस तरीके से। अब एक चीज याद रखना, प्यूरीन और पिरामिडीन के बीच में बॉन्ड होगा, कभी प्यूरीन प्यूरीन या पिरामिडीन पिरामिडीन के बीच में बॉन्ड नहीं होगा। जब भी ऐसा होगा तो वहां पर म्यूटेशन हुई होगी, अगर तुमको याद होगा तुमने करी होगी पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन या कुछ ऐसा। चलो छोड़ो, और ना जब मैं म्यूटेशन में पहुंचूंगी तब करा दूंगी। तो प्यूरीन हमेशा पिरामिडीन के साथ बॉन्डेड होता है, कैसे? एडिनिन, अब मैं यहाँ डीएनए का लिख रही हूँ, एक तरफ मैं आरएनए का लिख दूंगी, ठीक है? तो एडिनिन ऑलवेज बॉन्ड विद थायमिन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, और ग्वानिन ऑलवेज बॉन्ड विद साइटोसिन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये नीट का क्वेश्चन है कि बॉन्ड कौन से थे, ये हाइड्रोजन थे। बेसिक में ये क्वेश्चन आते हैं बॉन्ड कौन से हैं और कहाँ से अटैच है, ठीक है? तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से। आरएनए के केस में एडिनिन बॉन्डेड होता है यूरेसिल से दो हाइड्रोजन बॉन्ड में, और ग्वानिन साइटोसिन से थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? यस मैम।
तो ये लिखो, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें स्कूल के वाइवा वगैरह में बहुत आराम से पूछा जा सकता है। अरे किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अच्छा नो ठीक है। देखो प्यूरीन का स्ट्रक्चर दो रिंग है, पिरामिडीन में एक रिंग है। अब देखो इनकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जैसे बता रही हूँ वैसे ही करना है। कि जब तुमने बेंजीन रिंग बनाया पिरामिडीन को देखो, तो कार्बन नंबर 1 यहाँ लिखोगे, ठीक है जी? ये कलर इतना भी दिखा दिया। नहीं। तो कार्बन नंबर 1 टॉप पे नहीं लिखना, यहाँ लिखना, कोई यहाँ मत लिखना कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 यहाँ से काउंट करते हैं, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। क्लियर? ये मैं लिखो। अब इस पे आओ जरा, सेम चीज यहाँ करो। कार्बन नंबर 1 यहाँ, 2, 3, 4, कार्बन 5, कार्बन 6। उसके बाद कार्बन नंबर 7 कहाँ आएगा? कार्बन नंबर 7 वुड बी हियर। कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8 एंड कार्बन नंबर 9। बनाया? यही क्लियर है ना इतना सबको? मैम ठीक है। तो ये हमने अभी तक नाइट्रोजनस बेस करा, राइट? अब एक बार पेंटो शुगर का स्ट्रक्चर कर ले। देखो मैम पेंटो शुगर का मतलब है 5 कार्बन की शुगर। आरएनए में आपको राइबोज मिलती है और डीएनए में आपको डीऑक्सी राइबोज मिलती है। हाँ, कार्बन लिखने से ही आने चाहिए। देखो सर्कल के साथ एक तरफ कार्बन नंबर 1 करो, उसके नीचे 2, ऑर्डर में चलो 3, 4, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4। फिफ्थ कार्बन कहाँ लिखूँ? फोर्थ के ऊपर के ऊपर फिफ्थ कार्बन यहाँ है। दोनों में सेम है, तो फर्क क्या है दोनों में? एक ऑक्सीजन कम लिखना है ना, तो कार्बन नंबर 2 पे OH लगाओ, कार्बन नंबर 3 पे OH लगाओ। दोनों के केस में पहले ऐसे होता था, राइबो शुगर पहले आई थी नेचर में, जब इवोल्यूशन हुआ था ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले आरएनए आया था। लेकिन ये जो OH है ना, OH इज बेसिकली कौन सा ग्रुप? एल्कोहल एल्कोहल ग्रुप। और एल्कोहल ग्रुप की नेचर क्या होती है? ये बहुत ही होते हैं रिएक्टिव। तो नेचर ने क्या किया, डीएनए के केस में कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन हटा दिया और वहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया, इसलिए डीएनए कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। समझ आई बात? मैम ठीक है। तो नीट का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कि कहाँ से डीऑक्सीराइबोस में कहाँ से ऑक्सीजन गायब है? कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन गायब है, ये नीट का क्वेश्चन है। क्लियर? बनाओ बनाओ इसे, मैं 1 मिनट चार्जिंग पे लगाऊं इसे। हेलो 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 हाँ बिल्कुल लिख लिया। ये मैम ओके ऑलराइट। राइबो शुगर लास्ट में हमारा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की क्या खास बात होती है, ये नेगेटिव चार्ज देता है आपके डीएनए एंड आरएनए दोनों को, तो हम कहते हैं ना न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये आपको वाइवा में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए। ठीक है, ये मैम
ये पॉइंट लिख लो, ये पूछा जाता है नीट में कि डीएनए को नेगेटिव चार्ज देता कौन है, व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज, और डीएनए की कॉलिंग में भी ये काम आएगा। तो इसे लिखो, डीएनए अब देखो, अब सिचुएशन बताए क्या है कि आपके पास दिस इज द हैंड जिसको हम स्टडी कर रहे थे एक्चुअली, और इस हाथ का ये सेल है जिसको माइक्रोस्कोप में देख रहे थे। ये जो सेल है ना, इसको मैंने और बड़ा कर दिया, इसके अंदर न्यूक्लियस है, बड़ा कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो डीएनए है, हम ये देखना चाहते हैं कि एक सेल के अंदर सबसे पहले जब डीएनए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सेल में डीएनए आया, तो डीएनए बना कैसे, उसका न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड अटैच होकर डीएनए बनता है, तो पहला न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको पता है कि शुगर अंदर पड़ी होती है, ठीक है, वहां पर नाइट्रोजनस बेसिस भी ऑलरेडी पड़े होते हैं, वहीं पे तैर रहे होते हैं अंदर ही, बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस पड़े होते हैं। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी अंदर ही पड़े होते हैं। अब इन सबको पास आना है और न्यूक्लियोटाइड बनाना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड सीधा नहीं बनता, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा ये जो शुगर थी ना हमारी, कैसी, क्या बुलाते हम शुगर को, पेंटोज पेंटोज शुगर के, ध्यान से सुनना नीट का क्वेश्चन, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाता है नाइट्रोजनस बेस। कौन सा नाइट्रोजनस बेस, दैट वेरी प्यूरीन पिरामिडीन में से कौन सा लगा, लेकिन नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे लगता है। तो जब ये दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल से बनता है ना न्यूक्लियोटाइड, तो एक तो ये हो गई, दूसरा होगा नाइट्रोजनस बेस। तो जब दो मॉलिक्यूल बनते हैं हम इन्हें क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। हाँ, फिर न्यूक्लियोसाइड के पास फाइनली कौन अटैच हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है, तो फॉस्फेट ग्रुप लगता है कार्बन नंबर 5 पे। और अभी तीनों मॉलिक्यूल आ गए ना, 1 2 3, इसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड अटैच होकर डीएनए की पूरी चेन बनाएंगे। ये बात समझ आई, मैम? ठीक है, अब यही बात मैं तुम्हें समझाने लगी हूँ। तो याद रखना, सबसे पहले हम किस पे क्या अटैच कराने वाले हैं, तो सबसे पहले लेट्स अटैच, ये हमारी पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर पे कार्बन नंबर 1 पे किसको अटैच करेंगे हम, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस मैंने तुम्हें ये तो बता दिया पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 1 है, लेकिन मैंने ये बताया कि नाइट्रोजनस बेस कहाँ से अटैच होता है, वो नाइट्रोजन से अटैच होता है, लेकिन कौन सी, तो नाइट्रोजन याद करनी बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो अब एक बार नाइट्रोजन को समझते हैं कि नाइट्रोजन लगी कहाँ है। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो ये होते हैं, इनमें नाइट्रोजन कहाँ लगी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे पिक्चर देख के बताओ, ये फिगर जो 1 है, ये प्यूरीन है या पिरामिडिन, प्यूरीन प्यूरीन है ना, प्यूरीन है। तो प्यूरीन को नंबर कर लेते हैं, देख कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगाओ इसे कॉपी में, खुद से बनाओ, क्योंकि जब तक बनाओगे नहीं तब तक केमिकल कंपाउंड्स कभी नहीं होते, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाए? नो मैम। बना बना बना, टेक योर टाइम, बनाओ इसे। बस इतना भी नहीं टाइम लग सकता। चलो अब सबको स्क्रीन दिख, मैं दिखाई दे रही हूँ। मैम अब देखो, अपने हाथ देखो, ऐसे हाथ पे ऐसे काउंट करते हो कभी नंबर? मैम तो ये वाली नकीर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रही है? 1 1 1 इसके बिल्कुल नीचे वाला 3 सेवन का है,
दिस वन सेवन ये मैम सेवन के बिल्कुल नीचे नाइन 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 वन थ्री सेवन नाइन दो दो उंगलियां याद होगी ऐसे ये मैम ठीक है तो इसको अपन यहाँ बना भी लेते हैं जब तुम बाद में अकेले पढ़ोगे तो तुम्हें खुद भी तो याद आना चाहिए वन थ्री सेवन नाइन तो एग्जैक्टली वन सी सेवन नाइन पे तुम नाइट्रोजन को प्लेस कर दो कार्बन नंबर वन पे एक नाइट्रोजन याद रखना कार्बन को सेंटर से मत बना देना नाश हो जाएगा ठीक है कार्बन होगा यहाँ से तो कार्बन नंबर वन पे एक नाइट्रोजन लगा दे ठीक है कार्बन नंबर फिर उसके बाद कौन सा थ्री फिर सेवन फिर नाइन तो इन द केस ऑफ प्यूरिन्स नाइट्रोजन कहाँ पर होती है यहाँ होती है ये नीट में क्वेश्चन बन सकता है ठीक है अब एक प्यूरीन कहाँ अटैच होता है राइबो शुगर के वो अपने कार्बन नंबर नाइन से अटैच होता है राइबो शुगर पे यानी इससे ये दूसरा नीट का क्वेश्चन समझ आया ये लिख लो कितना पॉइंट लिख लो वो मैं आगे लगा दूंगी ठीक है अब पिरामिडिन की बात करते हैं पिरामिडिन तो छोटू था तो वो कहता है स्टार्टिंग में कर लेते हैं वन एंड थ्री तो कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर थ्री पे अटैच मिलेगा आपको ठीक है ना ये तो हो गया चलो बस अब आके इसको अटैच करवा देते हैं देखो ये पेंटोस शुगर है कार्बन नंबर वन ऑफ पेंटोस शुगर अटैच टू नाइट्रोजनस बेस तो कार्बन नंबर वन अटैच होता है एन नाइन नाइन नंबर पे जो नाइट्रोजन थी इन द केस ऑफ प्यूरीन और पिरामिडिन में वो कहते हैं चीजें सिंपल रखेंगे पिरामिडिन का सिर्फ नाम बड़ा है बाकी सब तो सिंपल था रिंग भी एक ही है उसमें दो जगह नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन जो नंबर वन होती है कार्बन नंबर वन पे पड़ी है उसी के साथ पेंटोस शुगर अटैच हो जाती है तो ये नीट का क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन ये है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कौन सा है तो याद रखना है जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट किसी भी कार्बोहाइड्रेट से अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट इज अ शुगर ना पेंटोस शुगर तो कोई कार्बोहाइड्रेट किसी कार्बोहाइड्रेट से अटैच हो या फिर किसी भी मॉलिक्यूल से अटैच हो उसको हम बुलाते हैं उस बॉन्ड को हम बुलाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो ये जो दोनों के बॉन्ड है दीज आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ठीक है जी डन ये नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है तो तीन क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं किसी को कोई डाउट नो बहुत बढ़िया आओ फिर नेक्स्ट पे चले देखो फॉस्फेट की बात कर लेते हैं कार्बन नंबर फाइव पे तो अटैच है फॉस्फेट का ग्रुप कैसा है चार कार्बन का होता है ना तो यहाँ पे ग्रुप पड़ा होगा आपका CH2 फॉस्फेट यहाँ आया यहाँ से एक दो तीन चार ऑक्सीजन के साथ तो वो कुछ नहीं करता फॉस्फेट का ऑक्सीजन इसके कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है ठीक है तो ये जो बॉन्ड बना ना ऑक्सीजन और कार्बन नंबर फाइव के बीच में तो फॉस्फेट के ऑक्सीजन प्लस कार्बन नंबर फाइव के बीच में जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को इस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम बुलाते हैं फॉस्फो क्योंकि एक तरफ फॉस्फेट है और ये एस्टर बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड समझते हो क्या होता है क्या होता है कुछ भी आर सी ओ आर डैश यही होता है जहां तक मेरा आइडिया है दो आर दो कोई भी आर ग्रुप ले लो और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड आ जाता है तो हम उसको एस्टर बॉन्ड कह देते हैं तो यहाँ पर ये बॉन्ड आ गया एक्चुअली फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये नहीं है ये वाला है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड याद रखना एस्टर है डाईएस्टर नहीं है एक ही बॉन्ड बना है यहाँ पर क्लियर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे कार्बन नंबर फाइव के साथ बना है ठीक है डन इतना अब एक बहुत ध्यान से बात बताने वाली हूँ तो बहुत ध्यान से सुनेंगे ठीक है जी तो अगर मैं आपको अब बताऊँ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स आप दिखाऊं तो देखो जब पेंटो शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है इस बॉन्ड को क्या बुलाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और कौन से कार्बन से अटैच है कार्बन वन
और यहाँ पे जब ये दोनों अटैच है, दो चीजें हैं, तो हम इसे बुलाएंगे न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट अटैच हो जाए तो उसे न्यूक्लियोटाइड बुलाते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 5, राइट? ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमने यहाँ तक तो बन गया, अब हमें देखना है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच कैसे होता है। हम ये कहते हैं ना दिस इज अ डीएनए, या लेट से दिस इज एन आरएनए, मैं आरएनए की एक थ्रेड बना रही हूँ, ठीक है? तो आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच है, मैंने एक न्यूक्लियोटाइड तो बना लिया, मैंने देख लिया कैसे बनता है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है वो देखना है मुझे। तो याद रखना ये दोनों जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं ना तो पानी रिलीज करते हैं, तो एक बाल्टी पानी भर के बाहर फेंक देना हमने। अब देखो कैसे, पहले तो मुझे पिक्चर देख के बताओ कि ये किसकी है, ये डीएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है या डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, पिक्चर नंबर ए। आरएनए से बता हरीश, कैसे बता हरीश, कैसे बता? ऑक्सीजन पूरे है मैम। हाँ, एक कम, हाँ एक कम नहीं है, कौन सी जगह से कम होना चाहिए था डीएनए के केस में, सेकंड, सेकंड कार्बन से, कौन सी किसकी सेकंड कार्बन, पेंटो शुगर या नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस, पेंटोस शुगर, शाबाश, गुड, है ना। तो देखो ये था नाइट्रोजनस बेस, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे OH है, यानी कि ये राइबो शुगर है, है ना, और ये इसके कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट अटैच है, तो दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, तो ये मेरा न्यूक्लियोटाइड ए है, और ये मेरा न्यूक्लियोटाइड बी है। मुझे ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो जब भी बॉन्ड बनाना होता है तो थोड़ा बहुत तो पानी बाहर फेंकना ही पड़ेगा, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो देखो केमिकल के रिएक्शन कहाँ होगा, ध्यान से इस पिक्चर को देखना सारे और मुझे बताना जो कार्बन नंबर 1 है वो फ्री है या किसी चीज से अटैच है, फ्री है या कुछ कर रहा है, ये ओ इधर आओ, आंखें खोलो, अभी नहीं सोना, कार्बन नंबर 1 फ्री है या बिजी है, बिजी है, बिजी है नाइट्रोजनस बेस के साथ। कार्बन नंबर 4 फ्री है या बिजी है, बिजी है भाई, बिजी है, उसने 5 को उठा रखा है, कार्बन नंबर भाई फ्री है या बिजी है, बिजी है, उसने फॉस्फेट को पकड़ रखा है, जो एक्चुअल में वेले है ना इस रिंग में वो ये दोनों है, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 2, है ना, तो इसमें भी ये दोनों वेले नहीं होते, कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कार्बन नंबर 3 का काम होता है एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक का कार्बन नंबर 3 है वो अटैच होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन किससे, अब ये क्वेश्चन है। तो देखो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का ऊपर की तरफ कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप है, तो इनका फॉस्फेट ग्रुप आपस में रिएक्ट करेगा, देखो कैसे, बस इस इतने पार्ट पे ध्यान देना है सबने, ठीक है, सब इस पे ध्यान देंगे, ओके। तो देखो हुआ क्या, इसका H2 यहां से इन्होंने क्या किया, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गए और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल गया, तो जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O, वाटर, H2O, यस, बीच में सिर्फ ऑक्सीजन बच गया, तो ये देखो कार्बन नंबर 3, एक ऑक्सीजन, फॉस्फेट ग्रुप और कार्बन नंबर 5, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो गया ना, ये मैम बॉन्डिंग होगी ना, अब ध्यान से देखना, कार्बन हम ऐसे कहते हैं ना, कार्बन और ऑक्सीजन एंड फॉस्फेट, तो हम इसको कहते हैं ना एस्टर बॉन्ड, ये मैम अब देखो ध्यान से देखना इधर, यहाँ पे एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक एस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक और एस्टर बॉन्ड है, कितने एस्टर बॉन्ड हो गए, टू, इसलिए दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम टुगेदर क्या बुलाते हैं, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, डाई मतलब दो, समझ आया, इस पिक्चर को बना लो, तो न्यूक्लियोटाइड ए
कार्बन नंबर 3 से अटैच होता है थ्रू फॉस्फेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड 2। और ये जो बॉन्ड है इसे हम बुलाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये नीट का बहुत जाना माना क्वेश्चन है। बॉन्ड्स के नाम, उनकी पोजीशन यही पूछा जाता है। ये लिख लो फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो चलूँ आगे। ओके जी, थोड़े से क्वेश्चन लगाए। सिंपल बताओ, विजिबल है जूम करके? चलो एक दो तीन चार पाँच छह क्वेश्चन, 4 मिनट्स स्टार्ट। हाँ भाई, ओके निशान। वो मैंने छोड़ दे रहे हो।
ओके और भाई ओके कम लेट्स कम हियर क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक पॉलीमेरिक मतलब पॉलीमेरिक मतलब तो पॉलीमर ना हो पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन किसी चीज की लॉन्ग चेन बनना हाँ जैसे प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स क्यों क्योंकि प्रोटीन में एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच होता है वो आगे अटैच होता है तो चेन बन गई तो प्रोटीन दो अमीनो एसिड से अटैच होते तो ये प्रोटीन आर पॉलीमर पॉलीमर मतलब चेन हो जाना पॉलीसेक्राइड सेक्राइड का मतलब होता है शुगर तो इसमें भी क्या होता है एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे से अटैच होकर से चेन बना लेता है तो ये भी पॉलीमेरिक होते हैं ठीक है न्यूक्लिक एसिड में हम किसकी बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच है तो ये भी चेन बनाता है तो ये भी पॉलीमर है लिपिड्स आर नॉट द पॉलीमर सो आंसर वुड बी सी ये इनडायरेक्ट था बायोमोलिक्यूल का पार्ट था ना तो ऐसा था ठीक है जी तो इसका आंसर होगा सी क्लियर न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड सही बात है ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय अब वो किससे बनता है तीन चीजों से बनता है ना नाइट्रोजनस बेस पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप ये सही है लेकिन सेम आंसर सी में भी लिखा है तो सी में जो पॉलीमेरिक फॉर्म में लिखा है ना वो हम प्रोटीन में यूज करते हैं आप अभी पॉलीमर्स पढ़ोगे केमिस्ट्री में सो यू विल सी कि आप चीजों को साइड में लिख के एक पर्टिकुलर नंबर लिखते हो कि नंबर इक्वल चलेगा ऐसे करके हम ये चीज यहाँ पर नहीं करते हैं ठीक है क्योंकि फॉस्फेट का नंबर वेरी करता है कैसे वो आप आगे के लेक्चर में पढ़ोगे तो ये सी डिवीजन सही नहीं है क्योंकि फॉस्फेट का नंबर शुगर और बेस के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता ठीक है ठीक है इसलिए सी वाला कह रहा था कि सबका नंबर सेम रहेगा एन की जगह में टू लिखू तो दोनों सारे टू होंगे थ्री लिखू तो सारे थ्री होंगे ऐसा नहीं है तो आंसर वुड बी ए विच प्यूरीन बेस इज फाउंड इन आरएनए क्या आंसर है 40 का थायमिन बहुत एब्सोल्युटली इनकरेक्ट शाबाश ये पूछ रहा है आरएनए की बात तो आरएनए देख के सब यूरेसिल की तरफ भाग जाते हैं लेकिन वो क्वेश्चन में तुमसे पूछ के आ रहा है भी तो देखो ना इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस तो ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन वो पूछ रहा है आरएनए हो चाहे डीएनए हो प्यूरीन और पिरामिडिन तो यार वही रहेंगे जो पढ़े हैं प्यूरीन इज ए टी जी सी इसमें सी की जगह हम लोग यूरेसिल लिख देते हैं वो क्वेश्चन पूछ रहा है प्यूरीन में कौन सा आरएनए आरएनए में कौन सा प्यूरीन मिलता है तो वो ये पूछ रहा है आरएनए में कौन सा प्यूरीन मिलता है यूरेसिल में तो गया ही नहीं अब एडेनिन है इसमें नहीं ग्वानिन है ना सिर्फ तो आंसर वुड बी डी आंसर वुड बी डी राइट सो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ाता इसलिए सबका गलत है कांग्रेचुलेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कंटेन फोर पिरामिडिन बेसिस पिरामिडिन आपको दिख रहे हैं ये या फिर ये तीनों होने चाहिए एटलीस्ट चार बार वो ये पूछ रहा है आपसे सिंपली ठीक है तो पहले मैं आपको थायमिन लिख गया एक बार दो बार दो थायमिन हो गए ठीक है और मुझे दो और चाहिए कुछ तो साइटोसिन दो दिख रहे हैं मुझे हाँ चार हो गए ना तो चार पिरामिडिन मिल गए मुझे ए ठीक है बी देख लेते हैं बी में मेरे को साइटोसिन कितनी बार दिख रहा है एक दो दो बार साइटोसिन दिखा उसके अलावा थायमिन नहीं है यूरेसिल मुझे एक बार दिखा तो तीन मॉलिक्यूल हुए ना तीन पिरामिडिन है इसमें क्वेश्चन ने पूछा चार पिरामिडिन दिखने चाहिए कुछ भी नहीं है ये गलत हो गया इसमें देखो एक यूरेसिल है एक साइटोसिन है
एक यूरेसिल, दो यूरेसिल और एक साइटोसिन, फिर इसमें तीन पिरामिडिन है, ये भी आंसर गलत है, ये भी नहीं होता, आंसर वुड बी ए। इन दोनों क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ध्यान से क्वेश्चन देखना था बस, समझ आई? तो ये क्वेश्चन बेकार था और ये गलत हुआ होगा, नो डाउट। इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस बाय, अब आरएनए में थायमिन की जगह कौन आता है? हाँ, अब यहाँ पे यूरेसिल आंसर होना था, यूरेसिल डी। एडेनिन क्या है, प्यूरीन या पिरामिडिन? प्यूरीन। आंसर वुड बी ए। क्लियर सबको? गलती समझ आई? बंद होगा, पता था मुझे बंद होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके होमवर्क के, ठीक है, करके आना। आंसर नहीं दिया मैंने, क्लास नहीं करूंगी मैं, तुम्हें एक बार स्ट्रक्चर करा देती हूँ, ठीक है जी? अभी है ना टाइम? देखो, मैंने ये दो तीन नाम सुने होंगे, एक तुमने सुना होगा कभी भी किसी के नाम के आगे नाइन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, सुना है? यो यो मैम। तो जब भी आप सिर्फ नाइट्रोजनस, ये ध्यान से सुनना, नाइट्रोजनस बेस लिखते हो, ठीक है, तब आप उसका नाम ऐसे लिखते हो, नॉर्मल नाइन से खत्म कर देते हो, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, ठीक है, नॉर्मली। जब भी आप नाइट्रोजनस बेस को पेंटो शुगर के साथ अटैच करके लिखते हो, तो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटो शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियस। ये देखना, ये पेंटो शुगर है और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगा है, तो ये न्यूक्लियोसाइड है। तो जब आप न्यूक्लियोसाइड लिखते हो ना, वो सेंटेंस एंड होता है सिन से, पाप सिन से, ठीक है? तो अगर एडेनिन एड है तो एडिनोसिन, ग्वानिन ऐड है तो ग्वानोसिन, समझ आई बात? सिन से ऐड होगा। और अगर यही चीज आपने इस पे फॉस्फेट ग्रुप भी लगा दिया, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो जोन सा भी नाइट्रोजनस बेस है, वो एंड होगा एसिड पे, जैसे एडेनिन है तो एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन है तो ग्वानिलिक एसिड, समझ आया? तो ये लिख लो, ये आपकी आई थिंक उसकी फोटो है बायो मॉलिक्यूल के चैप्टर से, ये मैम ये लिख लो, ये टर्मिनोलॉजी तंग करती है, ये आएगी इस चैप्टर में भी, इसीलिए अभी करा दी। मैम? नो मैम। बाकी बच्चे ओके, तो एक बार रिवाइज करा दूं क्या पढ़ा है? ये मैम, क्योंकि मुझे लगता नहीं तुमने मुझसे खासा डाउट पूछा है, बताओ भाई। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है? हाथ खड़े करना, कौन बताएगा? मैं रैंडम नहीं चाहिए मुझे। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या है? मजाक कर रहे हो मुझसे? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या है? हाँ भाई निशांत बता। मैम न्यूक्लियो